महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भोजपुरी गीत बनाकर जनता की आवाज उठाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को करारा जवाब दिया है। नेहा सिंह राठौर ने मनोज तिवारी के अश्लील गानों से लेकर 3 बच्चे पैदा करने पर निशाना साधा है। दरअसल मनोज तिवारी ने नेहा सिंह राठौर के बीजेपी सरकार से सवाल पूछते भोजपुरी गीतों पर भड़ास निकालते हुए कहा था कि नेहा सिंह राठौर को किसी विरोधी राजनीतिक दल में चले जाना चाहिए। मनोज तिवारी को जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर ने कहा, चाचा क्या आप उस वक्त कला के साथ न्याय कर रहे थे जब आप गा रहे थे कुर्ती के टूटला बटुनिया घूमेलू बाजार में मोहनिया, आपको शर्म नहीं आई ये गाने गाते हुए? आप मुझे कह रहे हैं जो लड़की बेरोजगारी पर गीत गाती है उसके लिए आप कहते हैं कि वो कला के साथ अन्याय करती है? आप बड़ा अन्याय कर रहे थे बेबी बीआरपी के गाने गाकर। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जैसे लोग मुझे कुछ बोलने की औकात नहीं रखते। इसके अलावा इंटरव्यू में जब नेहा सिंह से मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे भोजपुरी स्टार्स और बीजेपी सांसदों की ट्रोलिंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इंटरनेशनल लेवल पर भोजपुरी की घटिया छवि बना दी, अब वो व्यक्ति भोजपुरी बचाओ आंदोलन की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति बच्चे पैदा किए पड़ा है, बेटा के इंतजार में 3-4 बेटियां पैदा कर रहा है, खुद तो पैदा कर लिए और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेगा, उसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से नेहा सिंह राठौर ने न केवल मनोज तिवारी बल्कि रवि किशन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कम से कम ऐसे लोग तो भाषा और कला पर दूसरों को ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। आप नेहा सिंह राठौर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।